सोलो यून आज 28 फरवरी और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम BLS इन्फोटेस्ट लिमिटेड के बारे में, जिसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर करीब मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, देख सकते हैं यहाँ लिख रखा है बड़ी तेजी के संकेत, प्रमोटर का बड़ा ऐलान। इसमें मैंने बताया साफ साफ स्टॉक आपको बाय नहीं करना है, थंबनेल ऐसा बनाना पड़ता है व्यूअर्स। बाकी मैंने इस वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था स्टॉक आपको बाय नहीं करना है, यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं आज के दिन एक अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें एक अच्छा खासा LC लग चुका है, जिस दिन इसको बाय करके उनका स्टॉक सेल भी नहीं हो रहा है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसको सेल कैसे करना है ये भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। और बता दूं व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड एल्यूमिनियम पे वीडियो बनाई थी, मैंने इसमें भी कहा था इसको आप सेल कर दीजिए। देख सकते हैं इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ये देखते हैं 5 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी और इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को आपको मिल रहा है। वहीं वोडाफोन देख सकते हैं बंपर तेजी संकेत, उसमें मैंने कहा इसको बाय करिए, आप देख लीजिएगा आराम से, और इसमें आपको तेज देखने को मिल रही है। उसी तरह गैलेक्टिको को कोप को भी मैंने बाय करने के लिए कहा था, सारा सा टेक्निक जो सेल करने के लिए कहा था। अद्वि कैपिटल को 2 रुपये रिकमेंड करता, आज अद्वि कैपिटल ने 4 रुपये का हैवी बनाया था, वहां से अच्छा करेक्शन आ चुका है और मैंने टारगेट दिया 9 रुपये का। किस प्राइस पर आपको बाय करना है वो आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो आप हमारे चैनल में देख सकते हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब पे वीडियो बनाता हूँ। HSCL को मैंने 40 रुपये रिकमेंड करता, 400 के आसपास ट्रेड करा है, 360 रुपये के आसपास, और अगर आपने बाय करा आराम से होल्ड करिए 600 तक आराम से ज्यादा देखने को मिल सकता है। और आप देखिए BLS इन्फोटेज का जो प्राइस है 5.61 है और आज के दिन 4 से 5% गिरावट देखने को मिल रही है। और पर्सनली ये स्टॉक मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही कम ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जिनको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जो फ्यूचर में अच्छी तरह दे सकते हैं, मुझे इसमें वो बात नहीं लगती। क्योंकि इसका मार्केट कैप देखिए तो 246 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है, पर इसका स्टॉक पी देखेंगे आप तो 12,277 का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। और इस प्राइस में इतना खराब पी स्टॉक पी किसी का देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर आप इसके सेल्स देखेंगे तो वो भी पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगा है। दिसंबर 2023 में 0 था, यहाँ कंपनी का सेल्स ही नहीं बढ़ रहा, अभी भी देखिए दिसंबर 2023 में 0 ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कंपनी का सेल्स ही नहीं बढ़ रहा, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो एक घटते देखने को मिल रहा है, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी माइनस में है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पहले 0.06 था, फिलहाल 0.03 कैसे हो गया जब सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है। तो वहीं अगर शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो पर्सनली वो भी बहुत ही ज्यादा खराब है, प्रमोटर 59.11 थी, जो कि फिलहाल 59.11 देखने को मिल रही है दिसंबर 2023 में। पब्लिक देखिए तो 40.89 थी, जो कि फिलहाल 40.90 देखने को मिल रही है। ना तो इसमें FIs की होल्डिंग देखने को मिल रही, ना ही DIs की, ना ही गवर्नमेंट, ना ही किसी अदर की, तो यहाँ किसी की भी हिस्सेदारी देखने को नहीं मिल रही है। और आप देखिए कि इसमें तेजी देखने को मिली थी आपको, तो जितने भी FIs, DIs या अदर गवर्नमेंट को भी बेवकूफ नहीं है, वो उसको बाइक कर चुके होते हैं, इसमें स्टॉक में आपको तेजी लगातार देखने को मिलती, ये सब तेजी ऑपरेटर के वजह से आई थी। और यहाँ देख सकते हैं करेक्शन आ चुका है, मैंने आपको पहले ही कहा था आपको यहाँ से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। 6 महीने में देखिए 209% रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी खासी तेजी थी, तो एक अच्छा सा करेक्शन बनता था यहाँ से, तो स्टॉक आराम से यहाँ से आपको 4 रुपये जाते देखने को मिल सकता है। तब अगर आप बाई करने की सोचते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो अपना 20% यहाँ लगा सकते हैं। और अपना जब मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि इस स्टॉक से आप दूर रहिए, अगर आप इसको बाई करने के लिए मैं आपको बोल दिया है उसी प्राइस पर आपको बाय करना, बाकी कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। और मैं तो इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक गिर के आपको देखते हैं 0.90 तक भी आता देखने को मिल सकता, कोई बड़ी बात नहीं है कि पेनी स्टॉक या फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा खराब है, तो फ्यूचर के हिसाब से इसको बाई मत करेगा, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉक की तरफ आप जा सकते हैं, बाकी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। और आपने ऊपर की प्राइस पर बाई कर रखा तो एवरेज भी नहीं करना है आपको, एक करेक्शन आने दीजिए 2 से 3 रुपये के आसपास, इसको आप आराम से एवरेज करेगा, पूरा पैसा एक बार मत लगेगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करते रहिएगा, जिससे स्टॉक गिरेगा तो आपकी बाइंग प्राइस कम से कम हो जाएगी। और बाकी मैंने सब आपको बता ही दिया है कि उतना अच्छा नहीं है स्टॉक, फिर भी अगर आप इसको बाई करने की सोच रहे हैं तो आपने लाइक जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।